दोस्तों, अगर आप लोग गूगल में जाएंगे और पीकॉक बस के बारे में जानेंगे, उसके वैराइटीज़ के बारे में जानेंगे, तो देखिए स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, इसी तरीके का कुछ आप लोगों को दिखेगा। और अगर हम लोग थोड़ा यूट्यूब वगैरह में भी सर्च करेंगे तो एक चीज़ में देखा कि प्रॉपर एक पीकॉक बस के ऊपर कंप्लीट वीडियो नहीं है। और ये मुझे पता चला आप ही लोगों से कि उसके केयर के बारे में, उसके फीडिंग के बारे में, उसका कम्युनिटी के बारे में, उसका टैंक साइज़ के बारे में, उसका डिजीज़ के बारे में, लाइफ स्पैन, साइज़, ग्रोथ, एवरीथिंग इनके वन वीडियो ये नहीं है। तो आप लोग रिक्वेस्ट किए थे ना कि ऐसा एक वीडियो आना चाहिए। हियर इज़ द वीडियो दोस्तों, अशोक एक्वा में आप सभी को और एक बार वार्म वेलकम। पीकॉक बस के ऊपर फुल वीडियो है, पूरा गाइड मिलेगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को तो मेरे साथ एक साथ बैठ के एंड तक देखना पड़ेगा, और देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो आप लोग हमेशा सब्सक्राइब करते हैं कर दीजिएगा। पीकॉक बस का सबसे पहले जानना है टैंक साइज क्या होगा, स्टार्टिंग यहां से करते हैं। तो टैंक साइज की अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग में ये मॉन्स्टर या एग्रेसिव फिश है, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग इसको 2 फीट 2.5 फीट के टैंक से स्टार्ट कर सकते हैं व्हेन द साइज वॉज स्मॉल। अगर ये छोटा साइज का है, मतलब समझ लीजिए जैसा 3 इंच का, 3.5 इंच का, 4 इंच का, इस साइज का अगर पीकॉक बस लाए तो आप कुछ महीने तक इसको उसमें रख पाएंगे। अब ग्रोथ के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आपको उसके लिए बड़ा टैंक फ्यूचर में डेफिनेटली चाहिए। इसका ग्रोथ 0.5 इंच से 0.9 इंच तक, मतलब 0.5 से 0.75 इंच तक हर मंथ ये ग्रो करता है। फास्ट ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ नहीं है। तो आपको एक दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझको इसके लिए बड़ा टैंक लेना ही पड़ेगा। टैंक साइज और ग्रोथ रेट तो लगभग आप लोगों को पता चल गया है। ये लगभग सब वैरायटी के पीकॉक बस में कम ज़्यादा ऐसा ही ग्रोथ रेट है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके साथ ही फिल्टरेशन के बारे में। पीकॉक बस के लिए आप स्पॉन्ज फिल्टर, टॉप फिल्टर, पावर फिल्टर, कैनिस्टर, सम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लो अगर रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर आपका टैंक छोटा है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लो मत दीजिए। अगर छोटा छोटा पीकॉक बस आप लाए हैं तो दैट टाइम कोशिश कीजिए स्पॉन्ज फिल्टर के साथ काम चला लेने का। लेकिन जब ये ग्रो कर जाएगा, जब इसको बड़ा टैंक में देंगे, तो दैट टाइम फ्लो इन लोगों के ग्रोथ के लिए बढ़िया काम करेगा। और अगर हम लोग दोस्तों थोड़ा टेम्परेचर के ऊपर बात कर ले तो नॉर्मल 28 से 30 पीकॉक बस के लिए आइडियल टेम्परेचर है। और टैंक का डेकोरेशन की अगर बात करें तो आप थोड़ा सा, जब ये छोटा साइज़ में है दैट टाइम आप थोड़ा ड्रिफ्टवुड वगैरह दे के रख सकते हैं, थोड़ा हल्का सा रॉक दे के डेकोरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जब बड़ा हो जाएगा, साइज़ की बात भी बता देता हूँ यहाँ पे, ये मैक्स 30 इंच तक, मतलब 2.5 फीट तक, 2 से 2.5 फीट तक बढ़ जाता है। मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना बड़ा होता है। तो उस टाइम पे अगर आप टैंक में इसको ज़्यादा ड्रिफ्टवुड वगैरह दे के रखेंगे, 2.5 फीट छोड़िए, अगर ये 1 फीट का भी हो गया और दैट टाइम आप ड्रिफ्टवुड वगैरह दे के रखेंगे, थोड़ा कंजेस्टेड कर देंगे, तो उसको ना चलने फिरने में तकलीफ होगा। तो ये छोटा है तो ठीक है, तब आप थोड़ा डेकोरेशन में रखिए। लेकिन ये जैसे ग्रो कर रहा है ना, और थोड़ा फास्ट मूव करता है कभी कभी, सो दैट टाइम उसको तकलीफ हो सकता है। सो ड्रिफ्टवुड से वो तब कभी इंजोर हो सकता है। सो जब बड़ा होगा फिश, बड़ा फिश लाए हैं, सो दैट टाइम टैंक को थोड़ा खाली रखिए। तो इस पार्ट में हम लोग थोड़ा फीडिंग के बारे में जान लेते हैं कि पीकॉक बस का फीडिंग क्या होता है। देखिए, जब आप छोटा लाएंगे ना, जैसा मैंने बताया कि 3 इंच 4 इंच इस साइज़ का जब आप लेंगे, तो आप इसको फ्रोजन ब्लाडोम्स दे सकते हैं, ट्यूब फिक्स दे सकते हैं जो लोकल वर्म्स होता है, और आप इसको फीडिंग फिश भी दे सकते हैं। श्रिम्प अगर देंगे आप तो छोटा छोटा टुकड़ा करके देंगे तो वो खा लेगा। जैसा ये थोड़ा सा बड़ा होगा ना, इसको आप पैलेट ट्रेन भी करवा सकते हैं, ये मिट भी खाएगा।
जैसा हम लोग चिकन का टुकड़ा या लीवर देते हैं, लेकिन दैट टाइम आप लोग याद रखिएगा वाटर कंडीशन, आप लोगों को वाटर साइफनिंग या मेंटेनेंस बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा, तब जाके ये जो थोड़ा हाई प्रोटीन वाला खाना है ये भी आप अपने पीकॉक वास को दे पाइएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगर हम लोग थोड़ा टैंक मेट्स के बारे में बात करें, तो मैंने जैसा बताया था कि ये मॉन्स्टर है, इसका ग्रोथ भी अच्छा है, थोड़ा एग्रेसिव भी है, मॉन्स्टर कम्युनिटी का है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँगा कि आप इसको थोड़ा सा बड़ा या जाइंट फिश के साथ रखने का कोशिश कीजिए, जैसा एरवाना हो गया, ऑस्कर हो गया, पैरोट, एलिगेटर गार, सोवेलनोस कैट, रेड टेल कैट, शिवरम, ये जो मॉन्स्टर कम्युनिटी का फिश है इसके साथ आपका पीकॉक वास सही से रह जाएगा। कंडीशन एक है कि आप इसको हमेशा कोशिश कीजिए सही साइज में ऐड करने का। साइज़ में अगर गोलमाल हो गया तो पीकॉक वास भी दूसरा फिश को चेस कर सकता है या फिर दूसरा फिश पीकॉक वास को डिस्टर्ब कर सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा वैरायटी के ऊपर कि पीकॉक वास का तो बहुत सारा वैरायटी हम लोगों ने सुना है, तो कितना वैरायटी एग्जैक्टली है? आप अगर गूगल में करेंगे सर्च तो आप लोगों को दिखेगा कि लगभग 12 से 15 वैरायटी पीकॉक वास का अभी तक सर्च किया गया है, लेकिन 12 से 15 वैरायटी पीकॉक वास आपको ऑल टाइम अवेलेबल नहीं मिलेगा। कुछ कुछ स्पीसीज है जो वेरी रेयर है, लेकिन मार्केट में 5 से 6 वैरायटी आप लोगों को अवेलेबल हमेशा मिलेगा। जैसा आप लोगों को स्क्रीन पे अभी दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए, पहले तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को गोल्डन कैलवेरी पीकॉक वास। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा होता है देखने के लिए और एकदम एट्रैक्टिव होता है। उसी के साथ मैं दिखाता हूँ ओरिनोको पीकॉक वास। ये ओरिनोको जो पीकॉक वास है इसके बारे में बहुत सारे हमारे दोस्त या कस्टमर को पता नहीं है, लेकिन ये सिमिलर कुछ कुछ है, लेकिन इसका थोड़ा सा जो कलरेशन ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। सबसे जो रनिंग आइटम है मोनोकुलस पीकॉक वास। ये छोटा में तो उतना बढ़िया नहीं लगता है, लेकिन जैसा ये ग्रो करता है ये बहुत बढ़िया रहता है। जब ये मैच्योर साइज़ का हो जाता है, इसका किसी किसी का हेड भी निकलता है मेल का, तो और बढ़िया लगता है। मोनोकुलस पीकॉक वास सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगा। इसके साथ आजुल पीकॉक वास ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। आजुल ये भी बहुत बढ़िया पीकॉक वास है। इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब दूसरा पीकॉक वास में जितना ब्राइटिंग होता है कलर में, इसका कलर थोड़ा सा अलग होता है। और दोस्तों ये रहा टेमेंसिस पीकॉक वास, जो हमारे पास अभी स्टॉक में अवेलेबल है, ये आप लोगों को मिल जाएगा टेमेंसिस पीकॉक वास। ये जैसा बड़ा होगा ना, तो इसका जो डॉटेड आप देख रहे बॉडी में, ये और बेहतर होते जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट मैटर के ऊपर कि पीकॉक वास को क्या क्या डिजीज़ हो सकता है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा, पीकॉक वास को पैरासाइट अटैक होता है कभी कभी, अगर आप अपने वाटर का क्वालिटी ठीक से मेंटेन नहीं करेंगे तो। फंगल इन्फेक्शन या फिर ग्रिल पे, पीकॉक वास के ग्रिल पे एक इन्फेक्शन होता है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लाउडी आई भी पीकॉक वास को होता है, ये बीमारी भी हो सकता है, तो ये वाटर क्वालिटी कभी कभार ठीक रहता है तो भी होता है, इसका दूसरा भी कुछ कुछ रीज़न है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी सिम्टम आपको दिखे तो आप तुरंत जो भी इसके लिए सपोर्टिव मेडिसिन है, प्रिकॉशन है, वो लीजिए। और एक डिजीज़ है जो रेयर है, लेकिन ये भी पीकॉक वास को हो सकता है, स्विम ब्लडर, ये हो सकता है, तो इस पर भी आप लोग ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं आपको बताऊँगा कि पीकॉक वास का एक लाइफ स्पैन क्या होता है। पीकॉक वास का एवरेज लाइफ स्पैन की हम लोग बात करें तो 6 से 8 साल, लेकिन ये वाइल्ड में कम से कम 10 से 15 साल तक आराम से रह जाता है। दोस्तों एक वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेसिक पीकॉक वास का एक इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया। आई होप जो बिगिनर्स है उनके लिए ये वीडियो शायद काम कर जाए, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके सब सब्जेक्ट के ऊपर टच करने का कोशिश किया। शायद इन फ्यूचर में अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट रहा तो इन डिटेल्स में थोड़ा पीकॉक वास के ऊपर फिर से कोई वीडियो बनाएंगे। सबाई खूब भालो थाकबेन और निजेर माछदेर भालो राखबेन। जदि असुविधा है आमरा आछि, आबार देखा होबे परेर वीडियोते। नमस्कार।